What's up everyone, welcome back to the channel. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा, आज पहली बार आए हो चैनल पे यार, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट का, वो देख लो. और हम लोग रोज 9 बजे मिल रहे हैं अकाउंट्स पूरी करने के लिए. बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है तो जाके वो भी देखो, इको की भी अपलोडेड है, एंजॉय करो यार, अकाउंट्स भी, बिजनेस भी और इकोनॉमिक्स भी. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. शुरू करें फिर भाइयों और बहनों, तो चलो देखो जल्दी से. आज हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कि जो हम लोगों ने कल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी एकत्रित करी थी यानी कलेक्ट करी थी, उस इन्फॉर्मेशन को कौन यूज करता है यानी किसके लिए यूजफुल होता है. तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ये दो लोगों के लिए यूजफुल होती है. कुछ होते हैं इंटरनल यूजर्स, इसको अगर आपने अच्छे से लिखना हो, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. अब इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं यार जो बिजनेस में अंदरूनी तौर पर काम करते हैं. अंदरूनी तौर पर का मतलब कि जो बिजनेस चला रहे, जैसे मालिक लोग ऑनर्स हो जाते हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो जाते हैं, मैनेजर्स हो जाते हैं, एम्प्लॉइज हो जाते हैं, जो लोग बिजनेस चलाने वाले होते हैं उनको हम लोग इंटरनल यूजर्स बोलते हैं. ये लोग क्या करते हैं अकाउंट से? ये लोग जजमेंट्स लेते हैं, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करते हैं, चेक करते हैं कि अकाउंटिंग सही हो रही है नहीं हो रही है, बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो ये इंटरनल यूजर्स के लिए हेल्पफुल होता है. सेकेंडली एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में इंटरनली काम तो नहीं करते बट हमारे बिजनेस के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं. जैसे कि सपोज मुझे लोन लेना है बैंक से, तो बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो जो बैंकर होगा वो ये चेक करेगा कि मैं क्या कैपेबल हूं इस लोन को पे बैक करने के, मैं इतना कमाता भी हूं या नहीं हूं. तो वो मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कि इसके अकाउंट्स कैसे हैं, ये प्रॉफिट्स में है या लॉसेस में है. और अगर मैं लॉस में हूं तो मुझे कोई लोन क्यों देगा भाई, मैं लेके भाग जाऊंगा, मैं तो पैसा लेके भाग जाऊंगा. तो वो लोग चेक करते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो एक्सटर्नल में जैसे बैंकर हो गया. सिमिलरली अगर हमें किसी से उधार में सामान खरीदना है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भाई सामान दे दो, पैसा थोड़े टाइम में दे देंगे. तो कोई भी ऐसे ही क्यों देगा मुझे उधार में सामान. तो ये जिससे उधार में सामान लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको हमने पैसा देना होता है. तो ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाऊंगा तब ये सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. अभी आप ये समझ लो कि जिसको फ्यूचर में पैसा देना होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर. तो ये सब बाहर वाले लोग जो होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. तो दो यूजर्स हैं याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. ये जो हमने अकाउंटिंग करी है, ये जो हमने प्रॉफिट लॉस सारी रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग रिपोर्टिंग करी है, इस अल्टीमेटली सिस्टम का एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं. तो जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है मैनेजमेंट. देखो यार, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमारे पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सिस्टम होता है तो हम लोगों के लिए फ्यूचर में चीजों को मैनेज करना आसान हो जाता है. जैसे मुझे दिखा कि सपोज 2018 में मैंने कमाए थे 9 लाख रुपीज और 2019 में जो मेरी पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी रही, तो मैंने इस साल अर्न करे 2 लाख रुपीज. तो अब 2020 की जो मैं प्लानिंग करूंगा वो इसकी मदद से कर सकता हूं कि हाँ 2019 में बढ़िया सिस्टमैटिक सिस्टम रहा, इस वजह से मैंने काफी पैसा कमाया, तो 2020 में भी मैं इसी पे बेस्ड प्लान्स बना सकता हूं. तो जो अकाउंटिंग होती है वो मदद करती है बिजनेस को मैनेज करने में. सेकेंडली इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. हमें एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को दिखाती है कि हम लोग एक, हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना होगा कोई भी, हमें सब कुछ एक वेल मैनर्ड वे में, अरेंज्ड वे में मिल जाएगा. थर्ड, इट एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी. जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, कंपैरिजन ही तो करा 18 का, 19 का, 20 का. तो ये कंपैरिजन सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो, एक मेरे पास अकाउंट्स मेंटेन्ड हो. इसके बाद इट इज़ अ एविडेंस इन लीगल मैटर्स. यानी कि अगर सपोज कि कोई बिजनेस के ऊपर कोई केस हो जाता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरे अकाउंट्स एक एविडेंस होते हैं कि साहब देखो ये सब कुछ हमने लिखा तो हुआ है, सब कुछ तो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है. तो वहां पे ये एज अ एविडेंस काम करता है. एविडेंस समझते हो, सबूत. तो होपफुली ये चीजें समझ में आ रही होंगी. हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स. हमें लोन जब लेना होता है तब भी हमें कौन मदद करता है, हमारी अकाउंटिंग. कैसे? जैसे मैंने यहां भी बताया था ना कि जब हम लोन लेने जाएंगे तो बैंकर क्या करेगा, बैंकर चेक करेगा कि भाई कंपनी बिजनेस फायदे में है या नहीं है, जब लॉस में होगा तो थोड़ी मुझे लोन देगा. तो वहां पे भी अगर मुझे लोन लेना है तो मेरी अकाउंटिंग ही यूजफुल होती है. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट सेल ऑफ अ बिजनेस. अगर मुझे बिजनेस को बेचना है
देखो जैसे मैं सहारनपुर से हूँ, तो सहारनपुर में हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो सपोज हमारे यहाँ पे एक स्वीट शॉप है फाइव स्टार, तो सपोज मुझे फाइव स्टार का बिजनेस परचेज करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये दुकान मेरी हो जाए, तो अब इस दुकान को मैं कैसे खरीदूं, कितने का खरीदूं, तो जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे, वो वैल्यू सिर्फ अकाउंट्स दिखाने वाले हैं कि अकाउंट से चेक करके पता चलेगा कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी इस दुकान में गुड्स हैं यानी सामान है, तो वो सब की वैल्यू मुझे अकाउंट्स देगा। तो अगर किसी को अपना बिजनेस सेल करना है और किसी को वही बिजनेस खरीदना है परचेज करना है, तो इन दैट केस उसकी प्रॉपर वैल्यू लगाने में कौन मदद करता है, अकाउंटिंग। तो होपफुली आपको ये सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। अब देखो यार, अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान होते हैं, आप में भी बहुत सारी अच्छी हैबिट्स होंगी और कोई ना कोई बुरी हैबिट भी होगी। अब कमेंट में बताना जरूर कि कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं, बुरी मत बताना। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या कमियां हैं अकाउंट्स में, नंबर वन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट क्या होता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग में ना, आप समझो, मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब जो साइंस होता है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, सब जगह सेम होता है, लेकिन आर्ट में कहीं ना कहीं हर किसी की एप्लीकेशन अलग हो जाती है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी एक जजमेंट का बहुत फर्क पड़ता है कि जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं, अकाउंट्स में बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर का हमें क्या पता। आपने सपोज एक कार परचेज करी, आपने कार बाय करी और आपको बुक्स में लिखना है कि ये कार कितने साल तक बिजनेस में रहेगी, तो मैं एज्यूम ही तो करूंगा ना, हो सकता है मुझे लगेगी कार 10 साल चलेगी, आपको लगेगी कार 5 साल चलेगी, तो हर किसी का अलग अलग एजम्पशन हो सकता है। तो इन दैट केस अकाउंट्स में वैल्यूज भी अलग अलग लिखी जाएंगी। अब सपोज कार की वैल्यू 10 लाख थी और मेरे अकॉर्डिंगली वो 10 साल चलेगी, तो यानी कि पर ईयर 1 लाख का खर्चा मैं लिख सकता हूँ, और अगर किसी को लग रहा है कि 5 साल चलने वाली है तो वो पर ईयर 2 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है। तो इन दैट केस इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है अकाउंटिंग की, क्योंकि हर किसी के हिसाब से आंसर तो अलग अलग आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो जाता है। दूसरा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब यही होता है, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं वो हर साल में निकालते हैं, ये भी चीज हम आगे पढ़ेंगे कि हम एक साल यूज करते हैं, जबकि आप ये समझ लो फिलहाल कि हम लोग एक टर्म के बाद निकाल लेते हैं। अब वो टर्म 6 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, जनरली 1 ईयर होता है, तो हम लोग जो 1 ईयर का टर्म लेते हैं वो क्या प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैंने बिजनेस आज शुरू करा है और पहले साल में मैं प्रॉफिट में हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं जिंदगी भर प्रॉफिट में ही रहने वाला हूं। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस तो तब पता चलेगा जब मेरा बिजनेस बंद होगा। भाई नई नई दुकान पे तो हर कोई आना पसंद करता है ना, जब आप नई शॉप खोलोगे तो कस्टमर्स बहुत सारे आएंगे, लाइन लगा के आएंगे, आपके रिलेटिव्स भी आएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ओमिशन का मतलब होता है गाइस भूल जाना, हम लोग भूल जाते हैं या रिकॉर्ड नहीं करते हैं किसको, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब दो तरीके की इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी में होती है, नंबर्स में होती है, और एक क्वालिटेटिव। हम कौन सी रिकॉर्ड नहीं करते हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कि सपोज ऑनर में, बिजनेस के ऑनर में और बिजनेस के एम्प्लॉयज में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ आपस में हो जाता है, बढ़िया वहाँ पबजी गेम चलती है, ऑनर में और एम्प्लॉयज में लड़ाई हो जाती है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयज ने आना बंद कर दिया। अब उस केस में बिजनेस को बहुत ज़्यादा उसका बैड इम्पैक्ट होने वाला है। सपोज मिठाई की दुकान है, इसके यहाँ पे जो कारीगर है वो आना बंद कर दे, तो भाई मिठाई कौन बनाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा इस केस में तो इसको। तो इन दैट केस हम लोग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओमिट करते हैं, उसको लिखते नहीं है, तो यानी नुकसान तो है बट वो मैंने लिखा नहीं, तो भाई क्या अकाउंट्स दे रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है गाइज, यहाँ पे आप लोग समझ लो, मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशन का मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे सपोज मुझे किसी से पैसा लेना है, मुझे लोन लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोन लेने के लिए जा रहा हूँ, लोन लेने के लिए बैंकर मेरे को बोल रहा है कि आप अपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखाओ। तो मैंने बोला यार ठीक है। अब सपोज मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा था वो 1 लाख रुपीस का हो रहा था, जबकि लोन लेने के लिए मुझे कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए था। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे और उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास से 5 कस्टमर ऐसे हैं जो सामान लेके चले गए थे और उन्होंने बोला था कि पसंद आया तो रखेंगे, पसंद नहीं आया तो वापस कर देंगे। अब आप मुझे बताओ क्या ये सच में मेरी सेल थी,
भाई उन्हें पसंद आएगा तभी तो सेल होगी ना, अभी तो वो जस्ट वैसे ही ट्रायल के लिए लेके गए थे। अब मैंने दिमाग दौड़ाया, मैंने क्या करा, मैंने उन 5 कस्टमर्स का सामान था वो भी सेल दिखा दी, मैंने लिख दिया कि भाई सेल हो गई। अब अगली बार अगर वो अगले साल वापस दे गया तो मैं उसको रिटर्न मान लूंगा, माइनस कर दूंगा, तो फिलहाल तो मैंने सेल दिखा दी। अब जब मैंने सेल दिखाई तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जब मैंने सेल दिखा दी सामान बिक गया तो पैसा तो कमाया, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कितना हो गया, 2 लाख हो गया। बट आप सोचो कि अगर ये 1 लाख का सामान वापस आ गया, जो कि आने के चांसेस हैं, तो मेरा प्रॉफिट तो 1 लाख ही हुआ ना, जबकि मैंने कितना दिखा दिया, 2 लाख, और 2 लाख दिखा के लोन ले लिया मैंने। तो इसका मतलब अकाउंट्स में देर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है। और मैनिपुलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे जब आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखता हूं मैं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो में कराना है या नहीं कराना है, आप पहले इसको नोट डाउन करो। तो गाइज आई डोंट वॉन्ट कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, और होपफुली आज के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट सफिशियंट हैं, यूजर्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, आज हम यही रखते हैं और हम लोग कल पढ़ेंगे एक और टॉपिक और ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। तो चैप्टर 1 ऑफ अकाउंट्स हमारा कल खत्म हो जाएगा, फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे 2nd चैप्टर की तरफ। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना यार और सबके साथ शेयर करना, मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे देर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, बच्चों को पता ही नहीं था कि हम लोग अकाउंट शुरू कर चुके हैं। तो बताओ यार सबको कि यूट्यूब का फायदा उठाओ, रोज रात को 9 बजे मिलेंगे ना अकाउंट्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।